हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSCB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस के जो है क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम पहले एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि आपके चैप्टर के बीच बीच में होते हैं। आपने चैप्टर रीड किया होगा तो बीच में क्वेश्चन आते हैं। मैंने चैप्टर सारा रीड करा दिया है, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस डन है, तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो चैप्टर बचे हो मैं धीरे धीरे कंप्लीट करा दे रही हूँ। तो इसके लिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया हो, तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना और प्लेलिस्ट भी चेक कर देना, आपको सारे सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको। चैप्टर नंबर 13 के हम आज करेंगे एक्टिविटी क्वेश्चंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है बच्चों चैप्टर 13 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस के एक्टिविटी क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्टिविटी है जो आपकी आपकी PSCB की जो बुक है उसमें पेज नंबर 161 और 162 पर दी हुई है। तो इसको देखते हैं। ये एक्टिविटी आपकी मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम सिंपल पेंडुलम से टाइम पीरियड को कैसे मेजर करते हैं। चैप्टर मैंने आपको समझाया था, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई है। अब उसके हम बीच के जो क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? द हैवी मास सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड द सिंपल पेंडुलम। क्या होता है? एक भारी सी चीज होती है, उसको एक थ्रेड के साथ लटका के रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टू एंड फ्रो मोशन। फ्रॉम नहीं है, ये फ्रो है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कॉल्ड। सिंपल पेंडुलम में टू एंड फ्रो मतलब ये पेंडुलम था, इसको टू एंड फ्रो मोशन मीन्स एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द टेकन फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो हमारा पेंडुलम समय लेता है उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड। कैसे? देखो, ये हमारा पेंडुलम है, ये पेंडुलम जो है क्या करता है? अपनी जगह से आगे पीछे होता है। ठीक है, तो ये पेंडुलम जब अपनी जगह से यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, मतलब अपनी मेन पोजीशन पर पूरा राउंड काट के आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक बार में, तो उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। नेक्स्ट, डैश इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। मतलब जो किसी भी टाइम में एक मिनट, दो मिनट, एक सेकेंड, दो सेकेंड में जितनी बार वो यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ वहाँ हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 13.2, मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए बॉल। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूजिंग अ स्टॉप क्लॉक। स्टॉप क्लॉक का यूज किस लिए करते हैं? हम टाइम को देखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस और नेम द SI यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। मतलब हम डिस्टेंस को, दूरी को हम किस में नापते हैं और उसकी SI यूनिट क्या है? SI यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, हम डिस्टेंस को इसमें नापते हैं ना, तो उसकी SI यूनिट, उसको SI यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द मेजरिंग डिस्टेंस, मेजरिंग डिस्टेंस लिखाओ या फिर नेम ऑफ द SI यूनिट, मतलब दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है। मेजरिंग डिस्टेंस और SI यूनिट मतलब सेम है। ठीक है, तो वो क्या है डिस्टेंस की SI यूनिट? मीटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय।